भाइयों बहनों एवं मेरे दोस्तों, मैं बृजेश कुमार सैनी आप सभी का अभिवादन करता हूँ। यह मेरा पहली बार YouTube माध्यम पर चढ़ाया गया चित्र मुद्रण है। आज मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जो कि जुड़ा हुआ है सभी के कुतूहल से। जी हाँ, हर कोई पारिवारिक स्थिति के अनुसार कामना करता है कि इस बार उसे पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति हो। दोस्तों, मैं यहाँ यह स्पष्ट कर दूँ कि यह चित्र मुद्रण इस उद्देश्य से बिल्कुल नहीं है कि आप पुत्र प्राप्ति को बढ़ावा दें, अपितु चाह ये है कि हमारे दो की कानून प्रणाली विकसित करते हुए, जहां आपकी पहली संतान पुत्री है वहां आप पुत्र की कामना कर सकते हैं, और जहां आपकी पहली संतान पुत्र है वहां आप पुत्री की कामना कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। मैं आपको एक चाइनीज प्री पत्र से अवगत कराता हूं, जो कि बीजिंग चीन में शाही कब्र में दबा हुआ मिला था। इसका प्रारंभिक मूल पत्र आज भी चीन के विज्ञान संस्थान बीजिंग में सुरक्षित रखा हुआ है। इस परिपत्र में आप देखेंगे, जहां एक्स लिखा है उसे आप लड़का माने तथा जहां ओ लिखा देखें उसे आप लड़की माने। पहली लाइन में उम्र लिखी है और उसके सीधा नीचे देखेंगे तो महीना लिखा है। साधारणतः आप जैसे जानते हैं, मां बनने हेतु उम्र 18 साल से 45 वर्ष के बीच की होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर मां बनने हेतु महिला की उम्र 22 वर्ष है तथा बच्चा गर्भधारण जनवरी माह में करता है, तो निश्चित रूप से इस परिपत्र के अनुसार लड़की पैदा होगी। और इसी प्रकार, यदि महिला की उम्र 22 वर्ष है और गर्भधारण फरवरी माह में होता है तो संभवतः लड़का पैदा होगा। दोस्तों, इस परिपत्र से हजारों लोगों ने परीक्षण कर परिणाम 99% तक सही पाया है। और मेरा मानना भी है कि अगर इसमें कोई हानि नहीं है तो इसे आजमाना चाहिए। अंततः मैं यह दावा बिल्कुल नहीं करता कि आपको 100% परिणाम सही मिले। आशा करता हूं कि आपको यह चित्र मुद्रण पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो आप पसंद का बिल्ला दबाना ना भूले और अनुमोदन